फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशीज होम स्टाइल कुकिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो है हम यहाँ गेहूँ के आटे से लच्छा पराठा की रेसिपी बना रहे हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले 1/4 कप जो है गेहूँ का आटा ले लिया है। इसमें अब मैं नमक डाल रही हूँ। इसके बाद हमको इसमें जो है 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालना है। इसके बाद इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, ऑयल और आटे को अच्छे से मिक्स करके। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो रेडी कर लेंगे। इसको हमें अच्छे से हाथ से मसलते हुए गूंथना है ताकि डो जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ऊपर से हल्का सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे और इसको ढक के हमें 10 मिनट के लिए रखना है। अलग से मैंने एक कटोरी में जो 50 ग्राम बटर लिया है उसमें मैं 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। और 16 जो है हमें इधर लहसुन की कलियाँ लेनी है, क्रश कर लेनी है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इस तरह का मैंने स्मॉल पोर्शन ले लिया है डो का और इसे हम रोल करके जिस तरह हम रोटी या पराठा बेलते हैं उस तरह हमें इसे बेल लेना है। जैसे ही बेलना हो जाए हमें यहाँ पे जो है बटर का मिक्सचर लगाना है, क्योंकि आज हम गार्लिक बटर की जो लच्छा पराठा की रेसिपी बना रहे हैं इसलिए हमें ये अच्छे से इसे इस पर अप्लाई कर लेना है। इस तरह से इसे पूरे रोटी पर जो है हमें लगा लेना है और इसे हल्के हल्के से जो है स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसे बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आज आपसे शेयर करूँगी। रोटी को जो है हमें इसे स्ट्रिप्स में कट कर लेना है और इसे अभी ध्यान से जेंटली धीरे धीरे हम हल्का हल्का रोल कर लेंगे। इस तरह से इसे रोल कर लें। उसके बाद सारे आटे को अच्छे से समेट कर अब हमें इसे इस तरह रोल करना है और लास्ट का जो बटा बचा हुआ है उसे हम पीछे की तरफ प्रेस कर लेंगे और उसे अच्छे से दबा लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा आटा लगा के इसे भी अच्छे से बेल लेंगे। इसे हम वह बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। अब मैंने यहाँ पे जो है तवा गर्म कर लिया है, इस पर हम जो पराठा है उसे डाल देंगे। अब इसे हम क्लिप कर लेंगे और अब इसके ऊपर से ऑयल या फिर आप घी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमें जो पराठा है इसे पलटाते हुए अच्छे से पका लेना है। आप देख सकते हैं जो इसमें लेयर से अच्छे से आ चुकी है, पराठा जो कुक हो चुका है। अब दूसरे मेथड में भी हमें इसकी पहले जो है रोटी और चपाती का जो शेप है उसको हमें वैसे रोल कर लेना है। इसमें ये जो है हम पहले ही इसके जो है स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। बटर लगाने के बाद स्ट्रिप्स कट करने में थोड़ी मुश्किल होती है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो इजीली कट हो जाएगा, इसलिए मैं अभी ये सेकंड मेथड बता रही हूँ करने के लिए। इसके बाद इसमें जो है मैं हाथ से ही जो है बटर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप स्पून से करेंगे तो हो सकता है कि ये ठीक से अप्लाई ना और जो रोटी के स्ट्रिप्स है वो अलग अलग हो जाए। और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, पहले रोटी में मैं धनिया ऐड करना जो है भूल चुकी थी। अब इसे सेम उसी मेथड से हम रोल कर लेंगे जैसे हमने पहले इसमें प्रोसीजर किया था, सेम प्रोसीजर से अभी हमें इस रोटी को भी हमें उसी तरह से करना है। सेम वे में हमें जो है इसके पराठे का शेप दे देंगे। पराठा जो हल्का से एक तरह से सिक गया है, अब इसमें हम ऑयल अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से जो है हमें ये पराठा भी अच्छे से कुक कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि रोटी के जो लेयर्स है वो क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। अब जो हमारी रोटी है वो अच्छे से पक गई है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे।
अभी यहाँ पे जो है मैंने मटर पनीर की रेसिपी के लिए एक पैन में ऑयल लिया है, एक बड़े चम्मच तेल ले लिया है मैंने। अब इसमें हम जो है मैंने यहाँ लगभग 150 ग्राम के आसपास जो पनीर क्यूब्स लिए हैं उसे हम कम से कम 1 मिनट के लिए जो ऑयल में टॉस कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब जो है हमारा पनीर जो है वो हल्का सा सिक गया है, इसे हम अब अलग से प्लेट पर निकाल लेंगे। अब सेम पैन में जो है मैं आधा चम्मच जो है मैंने पहले इसमें ऑयल डाल दिया था और अब इसके बाद मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 1 इलायची और 4 लवंग डाल देंगे। जैसे ही जो मसाला है वो सौते हो जाए उसके बाद हम इसमें 2 बड़े प्याज स्लाइस करके डाल देंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे प्याज हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाए। अब जो प्याज है हल्का ट्रांसलूसेंट हो गया है इसमें भी हम एक टमाटर ऐड कर देंगे, इसे भी हमें 1 मिनट या 2 मिनट के लिए पका लेना है। उसके बाद हम मैं जो है इसमें 2 चम्मच मगज बीज और 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, इसे हम मिक्स कर लेंगे। बस हो गया, अब हमारा मसाला रेडी है और हम जो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे यहाँ पे ठंडा करके मैंने एक जार में ले लिया है, यहाँ पे मैं कोरिएंडर स्टेम डाल रही जो ऑप्शनल है, 2 मिर्ची डाल रही हूँ और इसे हम पीस के मसाला पीस रेडी कर लें। यहाँ फिर से मैंने पैन में जो है 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, 1 सिनेमन लिया है, 2 बे लीफ लिया है, 1 बड़ी इलायची लिया है और 1/4 चम्मच जो है मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। जैसे ही ये स्पाइसेस थोड़े से पक जाए, स्प्लिटर होने लगे, उसके बाद हमें जो है इसमें मटर ऐड कर लेना। मैंने यहाँ 1/2 कप जो है मटर लिया हुआ है, इसे भी हमें 1 या 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए कुक कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, आप चाहो तो फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा मटर है वो लगभग जो कुक होने आ गया है। अब यहाँ पे जो हमने पेस्ट रेडी कर लिया था वो मैंने इसमें डाला है और मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो भी मैंने इस मसाला पेस्ट में ऐड कर लिया था। आप चाहो तो डायरेक्ट भी पैन में वो पेस्ट डाल सकते हो इसी के साथ, और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अभी इसे हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे ही जो मसाला है साइड से आप देख सकते हैं कि ऑयल इसने छोड़ दिया है, मतलब मसाला कुक हो गया है। इसके बाद हमें इसमें 1/2 चम्मच जो है धनिया पाउडर डालना है, 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। उसके बाद हम मिर्ची जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच मिर्ची डाला है। उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, उसके बाद इसमें 1/4 चम्मच जो मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। इसके बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे भी अच्छे से पकने देंगे। जो है हमारा मसाला और जो बाकी के जो ड्राई स्पाइसेस है अच्छे से कुक हो गए हैं। इसके बाद इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था और वही पानी जो है मसाले का वही हम इसमें अभी डाल लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें जो है 1/4 गिलास के आसपास पानी डाल रही हूँ। आप अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। जैसे पानी बॉईल हो जाए इसमें हम पनीर ऐड कर लेंगे। इसे हमें कम से कम 5 मिनट के लिए ढक के पकाना है। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रेवी है अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, अच्छे से कुक हो गई है। तो लास्ट में अब हम इसमें थोड़ी सी क्रश करके कसूरी मेथी डाल लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद मैंने जो है यहाँ पे गैस का जो स्टोव है बंद कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें घर में जो हमारी मलाई होती है वो 1 बड़े चम्मच डाल रही हूँ, आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और लास्ट में अब धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर लेंगे। बस जो इसी तरह से आप बटर गार्लिक पराठा और पनीर मटर बना के देखिए। Keep watching and subscribe and like my channel.